Hallo, meine lieben Leute und Freunde, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh hier an die German Mentor. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा Zukunft ausdrücken के बारे में. इसका मतलब है कि हम जर्मन लैंग्वेज में फ्यूचर के टेंसेस को कैसे अलग अलग वेज में बना सकते हैं. ये एक B1 लेवल का कंटेंट है. सेशन को ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन, और चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स अगर आप कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे मेरी तरफ से. जर्मन सीखने के लिए अगर आप सीरियस हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. Zukunft ausdrücken क्या होता है? लॉस गेट्स. देखिए टाइटल Zukunft ausdrücken इन दीजर प्रेजेंटेशन लेनन सी टी फेरशीडन वेगर कैनन डी Zukunft auf Deutsch ausdrücken इंक्लूसिव ग्रामेटिक मिट बाइस्पीलन. इसका मतलब है फ्रेंड्स, इन दिस प्रेजेंटेशन यू विल लर्न द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर इन जर्मन इंक्लूडिंग ग्रामर विद एग्जाम्पल्स. तो मैं आपको चार डिफरेंट वेज में आज बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किस किस तरीके से हम फ्यूचर के टेंसेस को बना सकते हैं. तो ये सेशन इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए. अगर आपको ये टॉपिक मालूम है तो आपका रिविजन हो जाएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको नहीं मालूम तो आज आप एक नई चीज़ सीखने वाले हैं. तो सेशन में बने रहिएगा, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं. देखिए टाइटल सेम है, Zukunft ausdrücken. मान कान दी Zukunft mit folgenden Möglichkeiten ausdrücken. Someone can express the future with following options. तो ये following options कौन सी हैं? टोटल चार तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स. देखिए फर्स्ट जो तरीका है वेडन प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वेडन वर्ब के साथ और इन्फिनेटिव के साथ कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं. और जो सेकेंड होगा साइट अनगाबा प्लस वर्ब इन प्रेजेंस, तो ये कौन सा तरीका होता है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. थर्ड हम सीखेंगे मोडाल वेर्बन सुअर Zukunft ausdrücken, और जो सेशन के लास्ट में होगा जो मैं आपको बताऊंगा वेर्बन वी फोर हाबन और आनफांगन. तो ये चार अलग अलग तरीके होते हैं फ्रेंड्स जब हम किसी फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं या हम उसको यूज़ करते हैं. चलिए फ्रेंड्स कॉन्टिन्यू करते हैं सेशन को और सीखते हैं वन बाई वन. देखिए जो सबसे पहले कैटेगरी थी वेडन प्लस इन्फिनेटिव के साथ, तो पहले हम इसी के साथ सीखेंगे. देखिए वेडन की कॉन्जुकेशन आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इश वेडर टू वेड्स एस एस वेड वी आर वेडन ई आर वेडेट जी और जी वेडन. तो हम एग्जांपल्स देखेंगे वन बाय वन, तो ये आपको पहली कैटेगरी बहुत आसान से समझ में आ जाएगी. देखिए पहला जो बाइस्पील है, इश वेडर इन डियर बिब्लियोथेक स्टूडियरन आई विल स्टडी इन द लाइब्रेरी. सेकेंड देखिए एंजेलो विड आइन एन स्पाजियर कांग माखन एंजेलो विल गो फॉर अ वॉक. और फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल देखिए वेडेड ईयर मॉगन इन स्किनो गेन आर यू गोइंग टू द सिनेमा टुमारो. तो ये मैंने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, और आप जानते हैं कि उस केस में जो है वर्ब को हमें फर्स्ट पोजीशन पर रखना होता है. और फोर्थ एग्जांपल देखिए डू विट्स बाल टी प्रीफुंग बिस्टेन यू विल पास द एग्जाम सून. तो आप देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे इसमें जो भी सब्जेक्ट है वो कॉन्जुकेट हुआ वेडन वर्ब के साथ, और जो इन्फिनेटिव वर्ब थी सेकेंड वर्ब थी वो रहेगी आपकी फ्रेज के हमेशा एंड में. तो आप देख सकते हैं वेडन और जो इन्फिनेटिव वर्ब है फ्रेज के एंड में. तो ये थी पहली कैटेगरी जब हम वेडन वर्ब को यूज़ करते हैं किसी फ्यूचर टेंस के बारे में बताने के लिए. तो उसके लिए आपको वेडन कॉन्जुकेशन पता होनी चाहिए, और सेकंड वर्ब का भी मतलब आपको पता होना चाहिए. जो भी सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं उसको आपको रखना है इस फ्रेज के एंड में. तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी. अब हम देखते हैं जो हमारी सेकेंड कैटेगरी थी साइट ऑन गवर प्लस वेर्ब इन प्रेजेंस. अब ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए दस प्रेजेंस खान गेन्यूट्स वेडन ओम सू क्यूम्फ्टिग एराइग्निस ausdrücken besonders when eine Zeit angabe im Satz vor handen ist. इसका मतलब है द प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स स्पेशली इफ देयर इज अ टाइम इन अ सेंटेंस. अब पिछली स्लाइड में जो आपने देखा था फ्रेंड्स वेडन और इन्फिनेटिव वर्ब के साथ, तो वो बहुत सिंपल था, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस के अंदर भी फ्यूचर टेंस की बात कर सकते हैं. तो ये होती हमारी सेकेंड कैटेगरी साइट angabe प्लस वर्ब इन प्रेजेंस. अब ये क्या चीज़ है चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं. साइट अनगाबा प्लस वेर्ब इन प्रेजेंस में देखिए फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड्स हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे डी साइट अनगाबा, जैसे मॉगन यूब मॉगन नेक्स्ट वोख नेक्स्ट इस यार बाल्ड इन आइन स्टूंड डेम नेक्स्ट आम वोखन एंड. तो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इसी वर्ड्स की हेल्प लेकर हम जो है फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ बाइस्पील देखेंगे, चलिए देखते हैं वन बाई वन. फर्स्ट फ्रेज है डी फैमिलिया गेट मॉगन इन स्किनो द फैमिली इज़ गोइंग टू द सिनेमा टुमारो. अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई वेडन वर्ब का यूज़ नहीं किया जो आपने फर्स्ट कैटेगरी में देखा था, यहाँ पे जस्ट मैंने एक मॉगन वर्ड लगाया, तो वो अपने आप में डिफाइन हो रहा है कि ये कल की बात हो रही है.
जो आने वाला कल है, तो ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है कि जो फैमिली है वो सिनेमा में जाएगी, लेकिन कब? कल। डी फैमिलिया गेट मॉर्गन इन स्कीनो। सेकंड फ्रेज देखिए, वी आर फ्लिगन नेक्स्ट वोकर नाक बर्लिन, वी आर फ्लाइंग नेक्स्ट वीक टू बर्लिन। तो यहाँ पे भी कोई वेडन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, जस्ट नेक्स्ट वोकर मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो अपने आप ये डिफाइन हो गया कि आने वाले वीक में जो है हम ट्रेवल करेंगे बर्लिन में। थर्ड फ्रेज देखिए, बाल्ड हबिश डी जोमर फेरियन सून आई हैव अ समर वेकेशंस। तो समर वेकेशंस आने वाले हैं बहुत जल्दी, मैंने जो यहाँ पे बाल्ड वर्ब का यूज़ किया है तो वो यही डिफाइन कर रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में। फोर्थ एग्जांपल देखिए, आम वोकन एंड ब्रिंग ए इश माइन डॉक्टर एटवास सूजिस मिट। ऑन द वीकेंड आई विल ब्रिंग फॉर माई डॉटर समथिंग स्वीट। तो ऑन द वीकेंड यानी आने वाले वीकेंड पे मैं कोई एक्टिविटी करूँगा। डियर फ्रेंड्स, इस वाली कैटेगरी में आपने देखा मैंने वेडन वर्ब का यूज़ नहीं किया, मैंने कोई इन्फिनिटिव वर्ब यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जिससे सारे फ्रेजेस, सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्रेज में मॉर्गन, सेकंड फ्रेज में नेक्स्ट वोकर, थर्ड में बाल्ड और लास्ट फ्रेज में आम वोकन एंड। तो ये वर्ड्स आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, इनको यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाइए, तो सारे जो हैं साइट आनकाब और वेब इन प्रेजेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आई होप कि ये सेकंड कैटेगरी भी आपको समझ में आ गई होगी फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं मोडाल वर्बन सुअर सुकुम्ट आउस्त्रू। हम मोडाल वर्ब्स को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारी टोटल 7 वर्ब्स होती हैं मोडाल वर्ब्स, बट मैं कुछ वर्ब्स को ही यूज़ करूँगा। बिडॉयटुंगन डेर मोडाल वर्बन, मैंने यहाँ पे वॉलन वर्ब का यूज़ किया है, उसका मतलब होता है आपसिष्ट, जब आपकी कोई इंटेंशन होती है तब आप वहाँ पर वॉलन यूज़ करते हैं। सेकेंड म्योस्टन, वंश होना, कोई डिज़ायर होना, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं। और थर्ड मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिया म्यूसन, जिसका मतलब होता है नोट मैंडिश काइड, जब कोई नेसेसिटी होती है किसी काम को करने के लिए। तो ये 3 मोडाल वर्ब्स के साथ ही मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा, इसके अलावा और भी जो मोडाल वर्ब्स हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बाइस्पील। फर्स्ट एग्जाम्पल, इश विल निश्ट मेयर आलस एम लेस्टन मोमेंट माखन, आई डू नॉट विश टू डू एवरीथिंग एट द लास्ट मिनट। यहाँ पे मैंने वॉलन वर्ब का यूज़ किया और सेकेंड वर्ब तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मोडाल वर्ब में भी फ्रेज के एंड में होती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप देखिए, वी आर म्यूस्टन बाल्ड इन स्कीनो गेन, वी वांट टू गो टू सिनेमा सून। अच्छा, अब इस वाले सेंटेंस में मैंने बाल्ड भी यूज़ किया जो आपने पिछली स्लाइड में देखा, बट यहाँ पर हम जो है इस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे मोडाल वर्ब के केस में। ठीक है, वी आर म्यूस्टन बाल्ड इन स्कीनो गेन, वी वांट टू गो टू सिनेमा, हम जाएंगे, हमारी एक विश है लेकिन अभी नहीं। और थर्ड फ्रेज देखिए फ्रेंड्स, वी आर म्यूस्टन नेक्स्ट वोकर डेन बेरिस्ट आपके बिन, वी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक। अब इस वाले फ्रेज में मैंने नेक्स्ट वोकर भी यूज़ किया फ्रेंड्स, वो भी अपने आप के अंदर एक फ्यूचर टेंस है, लेकिन अभी इस कैटेगरी में हम सीख रहे हैं मोडाल वर्ब्स के ऊपर। तो म्यूसन यहाँ पे मैंने वर्ब को यूज़ किया और आपके बिन जो है वो इन्फिनेटिव आपकी रहेगी सेंटेंस के एंड में, वी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट्स नेक्स्ट वीक। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हमारे जो फोर्थ कैटेगरी थी, वर्बन वी फोर हाबन और आनफांगन। अच्छा, अब ये 2 जो वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को बताने के लिए। ठीक है, फोर हाबन का मतलब होता है टू प्लान आउट, किसी चीज़ की प्लानिंग करना। आनफांगन होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट या टू बिगिन। देखिए फर्स्ट फ्रेज, इश हाबा फोर डी रूह सू गिनीजन, आई एम प्लानिंग टू एन्जॉय द पीस। आई एम प्लानिंग का मतलब अभी वो टास्क स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं कोई प्लान कर रहा हूँ किसी चीज़ को करने के लिए। तो देखा आपने इशाबा फोर, ये एक त्रैनबारन वर्ब है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स होगा वो आपको ब्रेक करके सेंटेंस के एंड में लगाना होता है, ये एक अलग से ग्रामर रूल है, आपको पता होना चाहिए। तो आई एम प्लानिंग टू एन्जॉय द पीस। और आज के सेशन का फोर्थ कैटेगरी का फ्रेंड्स लास्ट फ्रेज देखिए, वी आर फांगन क्लाइश यूबर मॉगन दामिटान, वी विल बी स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, यूबर मॉगन भी है जो अपने आप में फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है जो आपने पहले देखा था, बट यहाँ पे हम आनफांगन वर्ब की बात कर रहे हैं, ये भी एक त्रैनबारन वर्ब है, सेपरेबल वर्ब है, तो जो प्रीफिक्स था आन वो ब्रेकअप होके गया सेंटेंस के एंड में। तो ये 2 वर्ब्स भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए, फोर हाबन और आनफांगन। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स, एक डिटेल सेशन, एक शॉर्ट सेशन जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम 4 अलग अलग कैटेगरीज का यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप ठीक समझें, जो भी कैटेगरी आपको आसान लगती है आप उसको यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप चैनल के साथ एंगेज्ड हैं, वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आप खुद भी बना सकते हैं, कैटेगरीज़ को यूज़ कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है सेशन को दोबारा देख लीजिए या मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको कमेंट करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड्स,
और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट सब कुछ कीजिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जर्मन सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल, ऑफ डिसेन।